तो भैया क्या विचार है? अबे तुम ही से पूछ रहे हैं क्या विचार है, वोट वोट डालोगे नहीं डालोगे? डालोगे तो कुछ पढ़े हो मैनिफेस्टो इस्टो? नहीं पढ़े हो? अबे मैनिफेस्टो पढ़ो, जानो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। कुछ किए हो कंपैरिजन वम्पैरिजन, भाजपा ने क्या लिखा है, कांग्रेस ने क्या लिखा है? अबे यार चलो बैठो, अबे बोल रहे हैं बैठो, कराते तुम्हें कंपैरिजन कराते हैं। सब नज़र का खेल है बंधु, सब नज़र का खेल है। किसका? नज़र का। राजदीप सरदेसाई की नज़र से तो तुम देख लिए हो, अब देखो किसकी नज़र से? देश की नज़र से। किसकी? देश की नज़र से। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों सबसे पहली बात है राहुल गांधी का ये ट्वीट। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया है कि भाई भाजपा ने एक बंद कमरे में पूरा मैनिफेस्टो लिख दिया है, चार लोगों को बंद कमरे के अंदर बिठाया गया और मैनिफेस्टो को पूरा का पूरा लिख दिया गया। अब राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों के पास जा जाकर उनके सुझाव लिए और उसके बाद इस मैनिफेस्टो को बनाया। अब दोस्तों हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि जो भी राहुल गांधी बोल रहे हैं वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों से सुझाव लिए हैं, उनके ओपिनियंस को लिया है और उसके बाद ही मैनिफेस्टो को बनाया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे होंगे जिसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को सुझाव भेजा था और उन्होंने मेरे सुझाव को डाला भी है। तो दोस्तों अब हम करते हैं कंपैरिजन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टोस का। तो दोस्तों कंपैरिजन करने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं हासिल फिल्म का एक सीन जिसमें इरफान खान जिमी शेरगिल से कहते हैं, अरे भैया देखो बंधु ऐसा है कि हमारा इनकाउंटर हो सकता है तो लोगों को ध्यान से लाया करो, यहाँ पे किसको ला रहे हो किसको नहीं ला रहे हो सोचा करो पहले। तो उसके बाद जिमी शेरगिल उन्हें बोलता है, पर भैया हम तो इनके दोस्त हैं, जिनको भी हम लाए हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनको भरोसा करते हैं हम। तो उसके बाद इरफान खान कहते हैं, बेटा उन पे भरोसा करते हो जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाए? थोड़ा सोचो समझो और उसके बाद लोगों को यहाँ पर लाओ, एनकाउंटर हो सकता है हमारा। तो दोस्तों माँ की रक्षा जो बंदा ना कर पाए उसको जब इरफान खान वहाँ पर लाने से मना कर रहे हैं, तो आप अपने देश की रक्षा ना करने वाले लोगों को क्या वोट दे सकते हैं, क्या उनको सरकार दे सकते हैं, अपना देश दे सकते हैं? तो सबसे पहली बात है ये। तो इसी के ऊपर हम अपना डिस्कशन यहाँ पे करते हैं और दोनों मैनिफेस्टो उसको कंपैरिजन करते हैं कि कौन भारत की रक्षा बेहतर कर सकेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो निकालते हैं और उसमें से पढ़ते हैं कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म के ऊपर यानी कि गुंडों और माँ के ऊपर क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि हमारा उद्देश्य है भारत को सुरक्षित रखना और अगर कुछ असुरक्षा हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की हैं और ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे अगर कोई इस तरीके की चीज़ हमारे देश पर होती है तो। आगे वो लिखते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया जाएगा टेरर से लड़ने के लिए। तो ये लिखती है भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में। अब दोस्तों देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसके अगेंस्ट क्या लिखा है, इसके लिए क्या लिखा है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है, नेशनल सिक्योरिटी एक अच्छी डिफेंस पॉलिसी पर डिपेंडेंट है और इसी के साथ साथ एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी और एक अच्छी लीडरशिप के ऊपर भी डिपेंडेंट है। नेशनल सिक्योरिटी चेस्ट थंपिंग और एग्जैजरेटेड क्लेम्स करके नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही एक्सप्लिसिटली इन दो शब्दों को लिखा है, एग्जैजरेटेड क्लेम्स और चेस्ट थंपिंग। अब ये इनका जो इशारा है ये इशारा है एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर। आपको याद होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक थी तो दोस्तों आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बताया था, वहीं साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने सवाल इस पर भी उठाए हैं कि एयर स्ट्राइक में कोई F-16 को नहीं तबाह किया गया है, कोई टेररिस्ट कैंप्स को नहीं तबाह किया गया है। तो इस तरीके के सवाल भी उठाए गए हैं जबकि हमारी एयरफोर्स ने पूरे सबूत दिए हैं और कल ही एयरफोर्स ने सबूत दिया है कि F-16 को उड़ाया गया है, फिर भी इनके समझ में नहीं आ रही है बात। तो दोस्तों फैसला आपको करना है कि आपको
कौन सी नीति पसंद है, भारतीय जनता पार्टी की नीति या फिर कांग्रेस पार्टी की नीति टेरर से लड़ने के लिए। अब इसी विषय पे आगे बढ़ते हैं और नेशनल सिक्योरिटी में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है और कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। शुरुआत करते हैं बीजेपी से। तो बीजेपी कहती है कि आर्मी को मॉडर्नाइज किया जाएगा, आर्मी और पुलिस को मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे और वो इक्विपमेंट मेड इन इंडिया होंगे। उसके आगे लिखती है कि लेफ्ट विंग टेररिज्म को खत्म किया जाएगा, आर्टिकल 35A और 370 को हटा दिया जाएगा, ऐसा लिखती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का लिखना है कि अफ्सपा कानून को डाइल्यूट किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम आपको अफ्सपा कानून के बारे में बता देते हैं। अफ्सपा एक ऐसा राइट था जो सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन आर्मी को दिया था और कहा था कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अगर किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो मान लीजिए एक पत्थरबाज या टेररिस्ट इंडियन आर्मी के ऊपर या CRPF के ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं या फिर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, तो अफ्सपा कानून उन्हें ये छूट देता है कि उस सिचुएशन में अपने आप डिसीजन लें, ना कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछें कि क्या हम जवाबी फायरिंग कर सकते हैं, जवाबी हमला कर सकते हैं या नहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी उसके बाद ही वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है अफ्सपा कानून के बाद। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस कानून को डाइल्यूट किया जाएगा या फिर हटा भी दिया जा सकता है। उसके आगे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एक्ट, इसको लागू किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एक्ट का मतलब ये हो गया कि आप किसी टेररिस्ट को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, उसके साथ ह्यूमेन की तरीके से बिहेव किया जाएगा, एक ह्यूमेन बिहेव किया जाएगा उस टेररिस्ट के साथ भी। ए भाई तूने बम फोड़ा था ना? ना बता रहा। बता दे। क्यों बताऊं? सर बता दो प्लीज। तेरे बाप को ना करूं। प्लीज बता दो प्लीज। सड़क कान पे मारूं। प्लीज बता दो। उसके आगे लिखा है अमेंड द लॉ टुवर्ड्स डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ट्रायल के बिना जो डिटेंशन अभी कर दिया जाता है वो डिटेंशन भी नहीं होगा। मतलब अगर आपको किसी पे शक है उसको आप डिटेन कर देते हैं, इंटेलिजेंस खबरों के सूत्रों के हिसाब से आपको जो खबरें मिलती हैं उसके बेसिस पे आप किसी को अगर डिटेन कर देते हैं तो वो डिटेंशन भी नहीं की जा सकती है जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाएगा। उसके आगे लिखा गया है कि सेडिशन के लॉ को हटा दिया जाएगा, यानी कि देशद्रोह को मान्य कर दिया जाएगा। आप खुलेआम झंडा जला सकते हैं, आप सबके सामने देश को गाली दे सकते हैं, आपने जो देश के खिलाफ करना है आप वो कर सकते हैं, इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा। तो भैया आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपको किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना है, चॉइस आपकी है। अब दोस्तों चलते हैं इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स के बारे में कि भारत की इकोनॉमी को $5 trillion का बनाया जाएगा। जो अगर आगे बढ़े तो उसमें लिखा जाता है कि लोग टैक्स किए जाएंगे, यानी कि जो मिडिल क्लास है या फिर जो हम लोग हैं उसके जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाएगा। आगे लिखते हैं कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ होगी और आगे उसमें लिखा गया है कि माइनिंग को बढ़ाया जाएगा और उसको GDP का 2.5% किया जाएगा। उसके आगे लिखा है कि MSME स्टार्टअप्स और इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ाया जाएगा। तो ये सारे प्लान्स हैं भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है मैन्युफैक्चरिंग को 16% ऑफ द GDP से बढ़ाकर 25% ऑफ द GDP किया जाएगा। न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स खोले जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि मेक फॉर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट जोन्स बनाए जाएंगे और उसके बाद उन्होंने लिखा है टैक्स टेररिज्म को कंट्रोल किया जाएगा और साथ ही साथ राज को भी कंट्रोल किया जाएगा और न्याय स्कीम भी लागू की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर अब देखिए कि सारी की सारी स्कीमें, न्याय को अगर छोड़ दें तो ये सारी की सारी स्कीम्स ऑलरेडी नरेंद्र मोदी लॉन्च कर चुके हैं। यहां पर मेक इन इंडिया का नाम बदलकर इन्होंने कर दिया है मेक फॉर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट जोन्स, यानी कि अब मेक इन इंडिया में भी तो यही हो रहा है कि आप भारत में बनाएं और भारत एक्सपोर्ट करें, तो सेम ही चीज का नाम बदल के इन्होंने ये कर दिया है। साथ ही साथ न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स हर साल खुलते ही हैं। उसके अलावा जो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जो मेक इन इंडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ा रहे हैं तो वो 16% ऑफ द GDP से बढ़ के 25% ऑफ द GDP तो बड़े आराम से हो ही जाएगा वैसे भी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वही इन्होंने लिखी हैं जो नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कर रहे हैं। एक न्याय एक ऐसी चीज़ है
जो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे। तो भाई न्याय से क्या है, न्याय में इन्होंने कहा है कि 72,000 रुपये प्रति वर्ष 20% ऑफ द पॉपुलेशन को दिया जाएगा, यानी कि 72,000 रुपये दिए जाएंगे 5 करोड़ लोगों को, जिससे सीधा सीधा 360,000 करोड़ रुपए का जो टोल है वो पड़ जाता है भारत की अर्थव्यवस्था पर। अब ये जो 360,000 करोड़ रुपए का जो टोल है ये कौन भरेगा, ये भरेगा मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास कैसे भरेगा, उनके टैक्स बढ़ाए जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं राहुल गांधी के गुरु सैम पिट्रोडा। देखिए, but taxes will not go up on them, taxes may go up little bit, but I don't think that's a major issue, let's not worry about that. Don't be selfish. Okay? Have a big heart. How can you see poor people around you and feel that somebody is going to take a 10 paisa out of you? That's not India. This is what you would say to the people of India, the middle class. Absolutely. That if you and I have to tighten our belt a little bit, we should. There is nothing. के ऊपर जो tax है, वो 70% तक भी जा सकता है। तो आप तैयार हैं 70% का टैक्स भरने के लिए या नहीं, फैसला आपको करना है। वहीं साथ ही साथ हमने नरेंद्र मोदी के या फिर कहीं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये भी देखा है कि राम मंदिर बनवाया जाएगा। इसमें फिर से लिखा है, न जाने कब तक ये बात चलती रहेगी, कब तक ये बात कहते रहेंगे राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, कब बनवाएंगे हमें समझ में नहीं आता है। वहीं साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि धारा 370 को हटाएंगे। 2014 में भी इन्होंने यही लिखा था कि धारा 370 को हटाएंगे, कब हटाएंगे हमें समझ में नहीं आता है। एक टर्म आपने पूरा खत्म कर दिया, आपने कश्मीर में भी सरकार चला ली, लेकिन फिर भी धारा 370 को नहीं हटाया गया। अब देखते हैं कि अगले टर्म में अगर ये आते हैं तो धारा 370 हटती है या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जो कंपैरिजन है ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आप हमें patreon.com पर मदद भी कर सकते हैं, वो मदद हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें अन्य प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।